नमस्कार मैं नूर आप देख रहे हैं आईपा आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन जहां बात होती है कि राजनीति को प्रोग्रेसिव कैसे किया जाए यानी वैसे मुद्दे वैसे मुद्दे जो जन सरकार के मुद्दे हैं उन मुद्दों पर ध्यान कैसे दिया जाए तो आज इसी कड़ी में मौजूद हूँ फाफा मऊ विधानसभा में तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के पार्टी के तरफ से उम्मीदवार लक्ष्मी नारायण जायसवाल जी सबसे पहले आईपा के मंच पर सर आपका बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी सर आप बताइए कि आप एक सामाजिक लोग हैं आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं लेकिन अचानक से राजनीति में कदम क्यों रख लिए देखिए वास्तविकता तो यही है कि राजनीति का जो क्षेत्र है वो सामाजिक व्यक्ति के लिए ही है अगर आप राजनीति कर रहे हैं और समाज से जुड़े नहीं तो आपकी राजनीति अधूरी है तो अगर आपको राजनीति से जुड़ना है तो उससे पहले कहीं ना कहीं समाज से आपका जुड़ाव और लगाव होना चाहिए ये मेरा मानना है जी जैसे कि राजनीति में हर पार्टियाँ दावा करती है कि हम लोकतांत्रिक है सभी पार्टी अपने आप में कहती है कि लोकतांत्रिक है लेकिन इस पर क्या ख्याल है आपका नहीं ठीक है अपनी अपनी पार्टियाँ अपने अपनी विशेषताएँ अपना लोकतांत्रिक हैं ठीक है तो अपने अपने लोगों के विचार हैं और लोगों को अपने विचार कहने भी चाहिए उसमें कोई हमारे हमारी तरफ से ना कोई आपत्ति है ना असुविधा है जी जैसे कि अभी आप विधानसभा चुनाव के में प्रत्याशी भी हैं तो आप किन मुद्दों के साथ में यहाँ पे आए हैं चुनाव लड़ने देखिए मुद्दे तो इस समय वर्तमान में बहुत हैं आप चाहे नौजवान को उठा के देख लीजिए जो कि हम चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और मैंने बताया आपको कि मेरा समाज से पहले से भी लगा और जुड़ा हो रहा है तो तमाम ऐसे बच्चे हैं और उनके माता पिता हैं जो किसान वर्ग से आते हैं और वो अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ करके चूँकि प्रयागराज बगल में है एक तैयारी का और पढ़ाई का हब माना जाता है तो कोई इलाहाबाद भेज रहा है कोई कहीं भेज रहा है तो अपने अपने बच्चों को जो है इस उम्मीद से भेजते हैं कि बच्चा हमारा पढ़ेगा तैयारी करेगा कल को कोई सरकारी नौकरी में चयन होगा लेकिन दुर्भाग्यवश हम देख रहे हैं कि इस बा इस समय जो है नौजवान जो हमारे नौजवान भाई हैं उसमें बेरोजगारी की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही इस पर हम सब कुछ हम सबको यानी पूरी पार्टियों को इस पर चिंतन एवं मनन करना चाहिए जी तो जैसे कि बेरोज़गारी के सरयाम है तो इस बेरोजगारी पे अभी आपकी रणनीति क्या रहेगी आगामी विधानसभा चुनाव में नहीं आप अगर बेरोजगारी आप किसी को दूर करना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी नहीं कि आप हर एक व्यक्ति को तो सरकारी नौकरी न दी जा सकती है न किसी सरकार में संभव है लेकिन ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट लघु उद्योग उद्योगों के माध्यम से उनको अगर स्वरोजगार की व्यवस्था भी की जाती है तो एक ये, ये भी एक बहुत अच्छी पहल होगी और उससे भी लोग जो है रोज़गार पा सकेंगे और रोजगार से लाभान्वित भी होंगे जो जैसे कि अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि पूरे देश में कोरोना आई थी और उस समय अस्पताल नहीं थे बेड्स की कमी आ रही थी ऑक्सीजन की कमी आ रही थी तो अभी देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन के वेरियंट्स भी आ रहे हैं तो अभी क्या रणनीति रहेगी खास करके आप लोग की तरफ से देखिए अब मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा जब आ, पहली बार कोरोना का जो हम लोगों ने भय देखा और उसमें जो लॉकडाउन का पीरियड था तो चूंकि मैं ऐसी जगह निवास करता हूँ कि यहीं पड़ोस से ही कोलकाता और दिल्ली का मेन हाईवे गुजरता है और हम लोगों ने ऐसे ऐसे मंजर यहाँ देखे थे उस समय मैं शायद जनपद प्रयागराज का पहला आ, समाज के लिए या कोरोना पीड़ित के लिए सेवा के लिए संकल्पित व्यक्ति भी था क्योंकि जिस दिन से लॉकडाउन की घोषणा हुई थी उस दिन से ही यहाँ पे साइक्लो ट्रकों का जाम लग गया था जो कि ड्राइवर कंडक्टर या जो उनके साथ चलते हैं ना उनको खाने पीने की कोई सुविधा व्यवस्था थी और ना ही जो है कोई प्रशासनिक सहयोग उनको मिल पा रहा था और उस तरीके से अगर हम करना भी चाह रहे थे तो नहीं कर सकते थे इसलिए प्रशासन इतना सख था कि मुकदमे तक पंजीकृत हो जाते थे लेकिन उसी समय हमने शाम को यहाँ के जो हमारे उस समय के वर्तमान एसएसपी महोदय थे उनसे मैंने वार्ता की और हमें थाने से पुलिस का सहयोग मिला जिससे निरंतर प्रथम दिन से लगभग बयालीस दिनों तक मैंने निरंतर पूरा जो है लाल गोपालगंज से फाफा मऊ तक और कोखराज बाईपास से लेकर के या सुनाव तक लगातार मैंने भोजन राहत सामग्री जहां जिस लायक में था उस लायक लोगों की सेवा की और उनके दुखों को कम करने का प्रयास किया जी। जैसे कि देख रहे हैं कि कुछ पार्टियां कहती है कि फ्री में रोजगार दे फ्री में जो भी देते हैं जैसे बिल हो गए बिजली बिल हो गई या फ्री में मुफ्त देती है तो इस पे आप क्या कहेंगे क्या फ्री में कोई भी पार्टी जनता को देनी चाहिए नहीं आप मेरा मानना है कि फ्री तो आप किसी को नहीं देंगे क्योंकि एक हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में कहावत है कि अगर किसी को आप बैसाखी पकड़ा देंगे आजीवन तो कभी चलना सीख नहीं पाएगा और फ्री का जो मामला होता है वो कहीं ना कहीं आपके प्रदेश और देश पे ही वो आर्थिक संकट के रूप में बाद में निकल के आता है तो हमारा मानना है कि फ्री नहीं आप लेकिन न्यूनतम शुल्क पे जो है न्यूनतम शुल्क पे लोगों को सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए चाहे बिजली हो चाहे पानी हो चाहे कुछ भी हो जो न्यूनतम शुल्क पर ही सारी सेवाएँ उपलब्ध हों ये मेरा मानना है फाफामों में खास करके अगर बात करें तो यहाँ पर अपराध की क्या व्यवस्था है कैसे यहाँ पर अपराध कितना है या फिर कम है या ज़्यादा नहीं अपराध फाफाऊँ विधानसभा की नहीं बात करें अपराध तो पूरे जनपद में या प्रदेश स्तर पर हर जगह अपराध होते हैं और काफ़ी कुछ उसको लेके सरकारें कर भी रही हैं अंकुश लगा भी रही हैं लेकिन उसके लिए अगर अपराध कम करना है तो सिर्फ प्रशासन या सरकार की जिम्मेदारी नहीं हमारी आपकी जो समाज में हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है उसकी भी जिम्मेदारी है क्योंकि अपराधी कहीं बाहर से नहीं आते हमारे आपके बीच के समाज से छेद से ही निकलते हैं तो अगर हम उनको जो उनके दिमाग में और ख्याल में जो उस आपराधिक प्रवृत्ति जन्म लेती है अगर उसको हम सुधारने का संवारने का काम करें तो कोई जन्मजात अपराधी नहीं होता है हाँ यह है कि अपराधियों के लिए अंकुश हर सरकार में लगना चाहिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन उसमें सामाजिक जो हमारे सहयोगी हैं <coughs> यह समाज <coughs> के स्तर पे भी अपना जो है <coughs> उन लोगों को सहयोग करना चाहिए जिससे उनकी मनोवृत्ति में बदलाव आए जी अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को राजनीति में जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए नहीं महिलाओं को बिल्कुल जाना चाहिए आप ये देखिए कि आज आधी आबादी महिलाओं की हमारे देश में है प्रदेश में है जनपद में है और अब महिलाएं तो हमारे उस बंधन से बहुत आगे निकल चुकी हैं हर क्षेत्र में चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में अच्छे अच्छे संवैधानिक पदों पे कार्यरत हैं तो जब महिलाएं अगर वो आगे आएंगी राजनीति में तो महिलाओं के लिए प्रेरणा बनेंगी क्योंकि हमारे यहाँ पुरुष की भागीदारी तो ज़्यादा होती है राजनीति में लेकिन महिलाओं की इसलिए नहीं होती कि उनका कोई प्रेरणा स्रोत नहीं है ना उनको कोई मोटिवेट करने वाला है तो मेरा मानना है कि महिलाओं की भी भागीदारी राजनीति में अवश्य रूप से होनी चाहिए तभी जागरूकता और अच्छे से आएगी जैसे कि अभी लोग देख रहे हैं कि महंगाई से परेशान है सब चीज़ से परेशान है लेकिन सरकार कोई भी आती है अपने एजेंडा में शामिल कर देती है कि हम ये सारी चीज़ें करेंगे लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो नहीं कर पाती तो क्या इस पर कानून नहीं बननी चाहिए कि जो भी पार्टी अपना जो भी एजेंडा पेश करती है उसको पूरा करने बीस परसेंट हो या पच्चीस परसेंट जितने भी वो पूरा करें हाँ निश्चित तौर पर हर पार्टियों में जो उनका एजेंडा होता है अगर वो लेकर के आप एजेंडा में पब्लिक के बीच में जा रहे हैं जनता के बीच में जा रहे हैं और उसी एजेंडे की बदौलत आप जनता का विश्वास स्वरूप मत आप हासिल कर रहे हैं तो उस एजेंडे को पूरा प्रयास करने का पूरा प्रयास हर पार्टी को करना चाहिए क्योंकि एजेंडे के माध्यम से ही जनता आपको चुनने का काम कर रही है आशीर्वाद देने का काम कर रही है एक बार ये जरूरी मुद्दा है जैसे कि भावात्मक मुद्दे आ जाते हैं जैसे कोई भी चुनाव होते हैं बड़े बड़े नेता आते हैं तो जनता क्या होती है वो भावात्मक मुद्दे में बह जाती है जो उनके ज़रूरी मुद्दे हैं रोजगार है, शिक्षा इस पर ध्यान नहीं होता है तो इस पर आप क्या कहेंगे भावात्मक मुद्दे आनी चाहिए राजनीति में नहीं भावनात्मक मुद्दे राजनीति में सबसे पहले तो बेसिक मुद्दे होना चाहिए और अभी हमारे यहाँ का भी संकल्प पत्र आपका जारी हुआ है जनसत्ता दल परिवार आदरणीय राजा भैया की तरफ से क्योंकि हम लोग ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए हैं तो उन्होंने जो है लगभग जो हमारे किसान बंधु हैं हमारे किसान भाई है उनके लिए तमाम चीज़ों को उसमें जिक्र किया गया है उनकी सुविधाओं को लेकर के जिससे किसानों की समस्या कम की जाए अब जैसे आप सब पत्रकार बंधु हैं तो उनके लिए स्वास्थ्य बीमा और सुरक्षा के भी उस संकल्प पत्र में जिक्र किया गया है और तमाम जो आम जनता के लिए सुविधाजनक सहूलियत पूर्वक हों उन सारे चीज़ों का हमारे संकल्प में संग्रहण है और अगर यदि हमारे हमारे यहाँ सरकार हमारी जनसत्ता दल परिवार बनती तो हम लोग उस एजेंडे को पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से संकल्पित रहेंगे जी शिक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो खास करके इस प्रयागराज में शिक्षा व्यवस्था कितना बेहतर है नहीं प्रयागराज तो देखिए शिक्षा व्यवस्था का हमारे ख्याल से इसको लोग हमारे यहाँ चूँकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है जो कि लोग ऑक्सफोर्ड के नाम से दूसरा ऑक्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है तो हमारे यहाँ प्रदेश से प्रयागराज में अलग अलग आ, डिप्लोमा डिग्री या कोर्सेज़ के लिए या तैयारियों के लिए अलग अलग जिलों से आप प्रदेश पूरे प्रदेश से ही नहीं प्रदेश के बाहर से भी जो है देश स्तर पे यहाँ प्रतियोगी आकर अपनी तैयारी करते हैं और तमाम लोग यहाँ से चयनित होकर के आज की तारीख में अनेक संवैधानिक पदों पर अपनी सेवा भी दे रहे हैं तो इलाहाबाद शिक्षा के स्तर के लिए तो बहुत मजबूत स्तंभ पहले से भी रहा है और आज भी स्तर है जी जैसे कि बहुत सारी पार्टियाँ हैं तो उन पार्टी में आप ना जाकर यहाँ पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के आने का क्या उद्देश्य है देखिए मैं पार्टी में उम्मीदवार होने से पहले कार्यकर्ता हूं, एक आम जनता का सदस्य हूं, और हर कार्यकर्ता पहले ये चाहता है कि जहां हमारा मान सम्मान स्वाभिमान हो वहीं आदमी जुड़ता है मुझे लगा कि जनसत्ता दल परिवार चूंकि आदरणीय राजा भैया ऐसे हमारे जन नायक के रूप में हमेशा कार्य करते आए प्रत्येक वर्ष 101 कन्याओं का निशुल्क कन्यादान करते हैं आप पत्रकार हैं आपको बखूबी जानकारी होगी और निशुल्क पूरे विधानसभा में उनके कैंप चलाए जाते हैं नेत्र शिविर चलाए जाते हैं और आज भी उनके यहाँ जनता दरबार लगता है जहाँ सैकड़ों लोग वहाँ प्रतिदिन जाते हैं और अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं और उनका निदान किया जाता है तो कुछ ऐसे हमें उनके जो कार्य हैं जिनसे मैंने प्रभावित होकर के जनसत्ता दल परिवार से जुड़ा और उन्हीं के आदर्शों पर चलने का प्रयास करते हुए मैं भी आज लगभग अलग अलग क्षेत्रों में निशुल्क कैंप लगवाने का काम कर रहा हूं अनाथ बच्चों को जिनके माता पिता नहीं हैं या जो आर्थिक रूप से बच्चे आर्थिक परिवार आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है ऐसे बच्चों को मैं निःशुल्क पढ़ाने का भी काम कर रहा हूँ जैसे कि अभी आपने कहा अनाथ बच्चों के लिए लेकिन हमारा संविधान भी कहता है कि जो अनाथ बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई की और रहने खाने की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी तो इसमें कितना राज्य सरकार सक्षम है देखिए अब क्या उनके लिए फॉर्मेट बना है क्या नियम और सिद्धांत बने हुए हैं लेकिन अगर वास्तविक में ये चीज़ें हर अनाथ बच्चों के पास या उस परिवार के तक पहुंच जाए तो हमारे ख्याल से देखिए किसी भी समाज की प्रदेश की या देश स्तर की जो मूलभूत सुविधाएँ हो, जो होती है हर परिवार की वो शिक्षा और स्वास्थ्य होता है और शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों चीज़ हम लोग देने के लिए हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय राजा भैया जी और हम लोग दोनों मूलभूत सुविधाएं समाज और क्षेत्र प्रदेश देश को देने के लिए समर्पित है संकल्पित है जी अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो खास करके इस विधानसभा का कितना विकास हो यानी यूँ कहें कि कौन सा मॉडल पेश करेंगे आप देखिए मेरे पास तो कोई मॉडल ऐसा नहीं है जो लोग मॉडल मॉडल कह के जो है चुनावी दौरे में आते हैं और फिर चुनाव के गुजर जाने के बाद सारे मॉडल गायब हो जाते हैं हाँ निश्चित रूप से चूँकि मैं इस विधानसभा का निवासी भी हूँ और इस विधानसभा के लोगों से मेरा करीब से लगाव जुड़ाव रहा है मैं समाज से जुड़ा था पहले से भी जो लोगों से मिलना जुलना था तो जो भी इस क्षेत्र की या क्षेत्र के लोगों की जो भी समस्याएं होंगी मेरा उनका प्राथमिकता में रख करके निधान करने का प्रयास रहेगा जी क्या लगता है आपको कि इस बार जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को जनता अपना प्यार लुटाएगी यानी यूँ कहे कि जनता इसको वोट करेगी अच्छे से हमारे हमारी पार्टी भले हमारी नई है लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मुखिया आदरणीय राजा भैया जी हैं वो राजनीत आज से नहीं लगभग 25 से 30 वर्षों से राजनीति से जुड़े हुए हैं और ये इतिहास रहा है प्रदेश स्तर पे नहीं देश स्तर पे कि निर्दलीय छः बार जो है मतलब जितने अन्य विधानसभा के विधायक वोट पाते हैं उतने वोटों के अंतर से वो जीत हार तय करते हैं निर्दलीय के रूप में तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक ऐसा कोह न्यूर है जो जनता के बीच में आज भी उनकी लोकप्रियता है लोग चाहने वाले हैं तो इसलिए जनता का आशीर्वाद जनता का प्यार जनसत्ता दल परिवार के साथ सदैव रहेगा और पूरी तरीके से रहेगा जी जैसे कि कहीं ना कहीं आम जनता को कहना मुश्किल हो जाता है विश्वास करना कि को, चलो कोई भी पार्टी है नई पार्टी उन पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है तो इस पर आप क्या कहेंगे नहीं हमने फिर आपको पुनः मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी ज़रूर नहीं है लेकिन हमारा मुखिया आ, बहुत पुराना है आप किसी को देख लीजिए जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष या जितने भी पार्टी के संस्थापक रहे किसी ने साइकिल से शुरुआत की पार्टी बनाई तब लोग उनको जानना शुरू किए किसी ने किसी चीज़ से शुरुआत की लेकिन हमारी पार्टी जो बनाई गई उससे पहले हमारे आदरणीय मुखिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पार्टी का प्रदेश देश स्तर पर नहीं विदेशों में भी उनके नाम की ख्याति और चर्चा है लोकप्रियता है जी जैसे कि एक मेरा सवाल है अंत में यहाँ की सड़कों और बिजली की व्यवस्था कैसी है आपके हिसाब से देखिए सड़कों और बिजली की व्यवस्थाएं तो जो हैं ठीक हैं लेकिन उन उसमें अभी बहुत सी चीज़ों को सुधार करने की ज़रूरत है और आ, मेरा प्रयास रहेगा कि यदि फापाऊ विधानसभा की जनता अपना प्यार व आशीर्वाद देती है तो जो भी मूलभूत सुविधाएं बिजली और सड़क से ही नहीं शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के जितने भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाओं को पूरा करने का और क्षेत्र के विकास के लिए मैं सदैव संकल्पित रहूँगा जैसे कि आईपा हम लोग की मंच है एक जिसके द्वारा हम आपसे बात कर रहे हैं हम लोग ग्रामीण स्तर पर जाके लोगों से बात कर रहे हैं चाहे वह शिक्षक हो कोई भी नेता हो प्रतिनिधि बात कर रहे हैं तो इस मुहिम को आप किस नज़रिए से देखते हैं नहीं ये आपकी अभी आप जो बता रहे हैं ग्रामीण स्तर तक जा रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये आपकी बहुत सराहनीय मुहिम है और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजा भैया की तरफ से जनसत्ता दल परिवार की तरफ से और मैं स्वयं लक्ष्मी नारायण जायसवाल आपको भविष्य के लिए भी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप ऐसे जनता के बीच में जा के उनकी मूलभूत आवश्यकताएं उनके मुद्दों को आप उठा रहे हैं क्योंकि जो भी हमारे अगर राजनीति में जो हमारे नेता जी हैं या जो हमारे प्रतिनिधि जी हैं अगर उनको मूलभूत मुद्दों की जानकारी नहीं होगी समस्याओं की जानकारी नहीं होगी तो उनका निदान नहीं हो पाएगा तो ये आपकी बहुत सराहनीय पहल है और इसके लिए हम जनसत्ता दल परिवार तरफ से आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद भी व्यक्त करते हैं और शुभकामनाएं भी देते हैं जी बहुत बहुत शुक्रिया आईपा के मंच में बहुत बहुत धन्यवाद आपको तो ये थे जन सत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रत्याशी फाफामऊ विधानसभा से लक्ष्मी नारायण जायसवाल जी जिन्होंने काफ़ी विबाकी अंदाज से यहाँ के हालात पेश किए और इन्होंने कैसे कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो कौन सा विकास मॉडल पेश करेंगे ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है जिन्होंने समाज को भली बाती जानते हुए अभी बहुत सारे कॉलेजेस चला रहे हैं फ्री कैंप चला रहे हैं तो ये इनसे कुछ खास बातचीत थी बाकी ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए आईपा नमस्कार